के अधीन होती है, उनके डायरेक्शन से चलती है, तो पुलिस अधिकारी भी उस व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो उनको भी उन्होंने ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना मुनासिब समझा। तो उस चुनाव प्रक्रिया को शांति से संपन्न कराने के लिए उससे पहले की जो व्यवस्था है, चुनाव के दौरान, चुनाव के दिन की व्यवस्था है, या उसके बाद जो होएगा, उसके जो कानून व्यवस्था संबंधित पहलू हैं, वो कल मैंने उनसे बात कर दी। दूसरा, आज मैंने अपने इस रेंज के सभी सुपरवाइजरी अफसर जो हैं, डिप्टी एसपी एंड अबव, सभी एसपी साहबान, एडिशनल एसपी और डिप्टी साहबान से रेंज की कानून व्यवस्था जो है इनकी समग्र रूप में उस पर वार्ता की है। उस संबंध में सभी एसपी साहबान ने अपने अपने जिले की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था अच्छी बनाए रखने में योगदान देने वाली उनकी अपराध प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डाली। तो आज ये उद्देश्य रहा और अभी वो मीटिंग संपन्न हुई है, और हमारा मुख्य उद्देश्य इन दोनों मीटिंग का ये है कि अभी से लेकर चुनाव तक अच्छी आंतरिक सुरक्षा, अच्छी कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहे, अपराधों पर अंकुश रहे, अपराधियों की धरपकड़ का जो इलेक्शन कमीशन के अभियान होते हैं वो सुचारू रूप से चले, पुलिस मुख्यालय द्वारा जो पुलिस प्रशासन संबंधी नवाचार हैं उनमें एकरूपता बने रहते हुए और समान प्रक्रिया के तहत सभी जिलों में कार्रवाई हो सके, और पुलिस कर्मियों का मनोबल, सिखलाई उत्तम स्तर की बनी रहे, ताकि चुनाव जब तक आए ये व्यवस्था स्वचालित होकर के अपने आप ही अच्छी व्यवस्था को रूप दे और चुनाव शांति हो, निष्पक्षता से हो। और जो राजस्थान पुलिस का एक अच्छा परिपाटी रही है, एक अच्छा रेपुटेशन रहा है कि यहाँ बहुत अच्छे निष्पक्षता से चुनाव होते हैं, हमारा एक मानक माना जाता है राजस्थान की कानून व्यवस्था को और राजस्थान की इलेक्शन चुनाव व्यवस्था को, हम उसी के अनुरूप अपना जिस तरह वो बनाए रखें और उसको और उठाने में मददगार सहायक हो सके। सर, जैसे इसका चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था का आपने बताया कि पूरा भी बातचीत हुई है, तो जो अति संवेदनशील केंद्र हैं जिनको क्रिटिकल नाम भी दिया गया है, तो उनको वहाँ पर एक्स्ट्रा क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे जब भी हम कोई संवेदनशील, अति संवेदनशील ऐसे जगहों, बूथों का या शहरों कस्बों का चुनाव करते हैं, तो वहाँ अच्छी व्यवस्था दूसरों से भिन्न ज़्यादा अलग होती है। चूँकि अभी ये चुनाव की प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन से उस अनुरूप में नहीं हुई, जिसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन होकर के, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं हुई, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं। तो अभी जब ये कैंडिडेट्स जो हैं पार्टियाँ डिक्लेयर करेंगी, अपने इलेक्शन संबंधी मुद्दे आगे उठाएंगी, उसके बाद प्रचार प्रसार बढ़ेगा, मैनिफेस्टो पार्टियां अपने छापेंगी, तो उनसे लेकर के संवेदनशीलता उत्पन्न होगी। अभी तो हमारे पास जो मानक है वो पिछले चुनावों का है कि 2008 में क्या हुआ था, 2009 में लोकसभा में क्या हुआ था, और उसके पश्चात अब तक कोई और कोई इशू ऐसे हो गए जिनकी वजह से किसी स्थान को हम संवेदनशील माने, तो ये तो हमारे पास हैं। पर आने वाले चुनाव की जो संपूर्ण संवेदनशीलता ये चुनाव से कुछ दिन पहले उभरती है, पर हम तैयारी पूर्व में कर लेते हैं, पास्ट को एक उदाहरण मानते हुए व्यवस्था रहती है, तो उसमें एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयमेंट जो होती है और एक्स्ट्रा पुलिस मोबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा पुलिस निगरानी का मसला होता है,